हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मेरे पास है सैमसंग S23 FE। आज मैं इस वीडियो में दोस्तों इस मोबाइल का कैमरा टेस्टिंग करने वाला हूं, तो बने रही मेरे वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी जो ये सैंपल शूट हो रहे हैं, ये फ्रंट कैमरा में शूट हो रहे हैं, फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट में शूट हो रहे हैं, 1080 में शूट हो रहे हैं, 1080 30 FPS में शूट हो रहे हैं। इसकी क्वालिटी और इसकी डायनामिक रेंज चेक कर सकते हो, और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी चेक कर सकते हो, क्योंकि विदाउट माइक से शूट हो रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा ऑडियो का। तो ऐसा आ जाता है इंटरफेस। सबसे पहले मिल जाता है फोटो मोड। फोटो मोड में तो ये 1x, अभी 1x का है, ये अल्ट्रा वाइड है, और ये 3x, 3x में ऐसा आ जाता है फुटेज। तो देखो पिक्चर बहुत शानदार आया है। इसकी जो ऑप्टिमाइज है, क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। जैसे कुछ क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छा है। और ये रेजोल्यूशन है 12 मेगापिक्सल, और ये 50 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल ओनली फॉर 1x और 3x में शूट कर सकती हो। 50 मेगापिक्सल में 6x तक जा सकती हो, उसमें ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती हूँ। 50 मेगापिक्सल में 6x तक जा सकती हूँ, 3x 4x। मैं 3x को भी रिकमेंड कर सकता हूँ। थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होने के प्रोसेसिंग लेने में लेट लगता है, थोड़ा सा लेट लगता है दोस्तों। इसके बाद ऐसा सब फुटेज आ जाता है। कैसा लग रहा है बताओ, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? तो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है 4x, और ये रेजोल्यूशन है 4x3, 6x9 रेजोल्यूशन है, जैसे कि आपको पता है। और ये फुल है, फुल में फ़ोटो नहीं लीजिए, 4x3 में लीजिए। फोटो मोड ये तो टाइमर है, बस इधर फोटो मोड में फिल्टर वगैरह। उसके बाद आ जाता है हमारा पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड में 3x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। 3x में मैं कुछ फोटोज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक जाकर उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कुछ फ़ोटोज़ का लिंक आप लोग देख के क्वालिटी चेक कर सकते हो। तो पोर्ट्रेट में टाइमर है, और ये रेजोल्यूशन है, और पोर्ट्रेट में 2x 1x 2x 3x दोनों तीनों मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये पोर्ट्रेट में फिल्टर स्किन स्मूथनेस मिल जाता है। हाँ, इस फिल्टर स्किन स्मूथनेस है। वीडियो मोड में सुबह मोड है, सुबह स्टडी मोड में आपको वीडियो दिखा दूंगा 16:9, और फुल में 1K 1 में शूट कर सकते हो। और इसकी जो हायर क्वालिटी फुल स्टडी मोड में फुल HD 30 FPS में शूट कर सकते हो, 1x और अल्ट्रा वाइड में, मतलब सुपर स्टडी मोड में अगर आप करते हो तो ये आ जाता है वीडियो मोड में 1x है, ये अल्ट्रा वाइड में 8K अल्ट्रा वाइड में शूट नहीं कर सकते, सॉरी अल्ट्रा वाइड में 1x में 8K 24 FPS शूट कर सकते हो। इसकी हाई रेजोल्यूशन है 8K 24 FPS, और इसकी जैसे कि ये कुछ मेंशन नहीं रहता है इसकी रेजोल्यूशन, ऐसा करके शॉर्टकट में दिया हुआ रहता है। ये अल्ट्रा HD है, अल्ट्रा HD 30 FPS में शूट कर सकते हो, और ये फुल HD 30 FPS में रेजोल्यूशन है दोस्तों, स्पेस रेजोल्यूशन है। तो 4K 30 FPS में आराम से शूट कर सकते हो, और वीडियो मोड में जूम कर सकते हो, वीडियो मोड में आराम से 10x 12x जूम कर सकते हो वीडियो में। अल्ट्रा HD 30 FPS यानी 4K में 12x जूम कर सकती हो, ये अल्ट्रा वाइड ऐसे करके वीडियो में दोस्तों 12x। और इसकी जो स्टेबल है ना, बहुत ही अच्छा है। सैमसंग को आपको पता है, सैमसंग स्टेबल के लिए बहुत ही अच्छा है मोबाइल। अगर स्टेबलाइजेशन आप देखना है तो सैमसंग बहुत ही अच्छा है। हाँ, वीडियो में कुछ फिल्टर देखने को मिल जाता है, इसमें ये दिखाई नहीं रहा है। और ये फुल HD में मोड में जैसा कि बहुत सारा मोड है, प्रो मोड है, प्रो वीडियो मोड है, नाइट मोड है, फोटो मोड है, पनोरमा मोड है, स्लो मोशन है, हाइपरलैप, पोर्ट्रेट वीडियो आपको मैं दिखा दूंगा, और सिंगल टैग डेकोरेशन व्यू, डायरेक्टर व्यू, जिसमें हम डबल उसमें आगे का भी और पीछे का भी फोटेज और मैं आसानी से दिखा सकता हूँ। अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो ये ब्लॉगिंग के लिए अच्छा है, कि आपको एक आगे का भी व्यू और पीछे का भी व्यू दोनों देखने को मिल जाता है। तो फोटो में आप लोग 30x जूम कर सकते हो, उसमें 30x विथ OIS स्टेबल है ना, बहुत ही अच्छी स्टेबल है ना, लाजवाब स्टेबल है। हम देखो बहुत पूरा 30x जूम कर देता हूँ,
इसकी जो स्टेबल है ना बहुत ही अच्छी। धीरा मोबाइल में ले लो ना अगर, ये अभी देखो डिफोकस, कभी कभी डिफोकस कर रहा है, और इसकी जो स्टेबल है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जिसका जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, उसकी बहुत ही अच्छी है। अभी जो शूट हो रहे हैं 8K में शूट हो रहे हैं, 8K 24 FPS में शूट हो रहे हैं। इसकी जो क्वालिटी है आप लोग चेक कर सकते हो, किस इसकी ऑडियो क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी कैसा है आप लोग देख के चेक कर सकते हो। तो अभी जो ये शूट हो रहे हैं ये अल्ट्रा HD 30 FPS में शूट हो रहे हैं, इसकी अल्ट्रा वाइड कैमरा में। इसकी क्वालिटी आप लोग देख के चेक कर सकते हो, इसकी क्वालिटी कैसा है। और ऑडियो तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसकी ऑडियो विदाउट माइक से शूट हो रहे हैं, तो ऑडियो का भी सारा वीडियो सब अनएडिटेड होने वाला है। यानी इसकी जो ऑडियो है हम विदाउट माइक से शूट कर रहे हैं, तो आपको ऑडियो का भी पता लग रहा होगा। दोस्तों ये पोर्ट्रेट में शूट हो रहे हैं, 3x में शूट हो रहे हैं पोर्ट्रेट में, तो आपको बैकग्राउंड ब्लर कैसा आ रहा है, फोकस वगैरह देख सकते हो कैसा है, और ऑडियो क्वालिटी भी चेक कर सकते हो। तो मैं डिस्टेंस में हूँ, बहुत बहुत अच्छा डिस्टेंस में, तो आपको ऑडियो का भी जज कर सकते हो कि ऑडियो कैसा है। तो ये शूट हो रहा है 1x में, तो 1x में कैसा ब्लर है देखो, और धीरे धीरे सब्जेक्ट के मैं पास आ जाता हूँ कैमरा के सामने, तो आपको 1x में कैसा आ रहा है बैकग्राउंड ब्लर और क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हो कैसे कैसा है। तो इसको OIS हम चेक करते हैं, अभी शूट ये शूट हो रहा है 4K 30 FPS में शूट हो रहे हैं, तो इसकी OIS कैसा है चेक कर सकते हो। तो इस मोबाइल में आप लोग ब्लॉगिंग करते हो तो ऐसा फुटेज आने वाला है, हम हालांकि 4K 30 FPS में शूट कर रहे हैं, तो आपको एज डिटेक्शन आपको कैसा क्वालिटी वगैरह देखने को मिलता है आप लोग देखो। और अगर इस मोबाइल में आप लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो देखो कैसा क्वालिटी आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो आराम से ले सकते हो। फोटोग्राफी के लिए ये वाला मोबाइल सही है दोस्तों, आप लोग अगर लेना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है। दोस्तों इस मोबाइल का हम वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है, डिज़ाइन वगैरह है, कैमरा क्वालिटी है, क्या क्वालिटी देता है, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा इसकी क्वालिटी। और मैं अभी फ्रंट मैं इसी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, और वीडियो ऑडियो क्वालिटी इसी से हो रहे हैं। और अगर इस मोबाइल में आप लोग फोटोग्राफी करना चाहते हो या फिर वीडियो क्वालिटी की, वीडियो के मामले में मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर अल्ट्रा वाइड अगर इस मोबाइल में थोड़ा सा इनहेंस कर रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि अल्ट्रा वाइड उतना मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा अल्ट्रा वाइड। यानी इसका मेन कैमरा सही है, OIS वगैरह सब, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा स्टेबल कर देता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको फोटोग्राफी की लेना है तो आराम से ले सकते हो, कोई बात नहीं। अगर इस वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल आप लोग नए हो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।